लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी पर आपका। फिरोजाबाद में आज प्रभारी मंत्री एवं ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास उत्तर प्रदेश शासन मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह पहुंचे फिरोजाबाद। किसान कानून सेवानिवृत्त आईएएस सत्येंद्र सिंह दिल्ली में बॉर्डर बंद पर शिवपाल यादव के अलायंस पर की बात। मंत्री जी, शिवपाल यादव जी कहते हैं कि वो छोटी बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करेंगे और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे इस बार, सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं किसी भी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अब मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के विचार का, न भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम का, न उनके विकास का, न उनके स्वदेशी का। और जो बजट पेश हुआ है उस बजट में 75 साल के अपने बुजुर्ग पिता को जिस तरह से मोदी जी ने सम्मानित किया, जो अनादिकाल में हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे, उस सम्मान को मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने वापस किया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि अगर 75 वर्ष के बाबा का की सेवा करोगे तो इनकम टैक्स की जितनी छूट है वो मिलेगी और आपको आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। तो इस बजट ने साबित कर दिया है कि हम कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे, हम बहुआयामी विकास करेंगे और सारे बिंदुओं को छुआ है और 17% अकेले ग्राम्य विकास को दिया है। उन्होंने कोरोना के वैक्सीनेशन को, जिसको लोग चैलेंज मानते थे, हमने स्वदेशी वैक्सीन पैदा की और उसके लिए 36-37 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया कि निःशुल्क टीकाकरण कराएंगे ऐसे लोगों को जो उस टीके की धनराशि को जमा नहीं कर सकते। आंदोलन से पार्टी को किसी तरह का कोई फर्क पड़ता है? उन्होंने कहा, मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ, ग्राम्य विकास मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी समस्या नहीं है और हमारे बड़े योग्य देश के कृषि मंत्री हैं। मुझे दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं उनसे बात करूंगा और जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जब फिर हम आपसे मिलेंगे तो उसको शेयर करेंगे। मुझे अभी बहुत तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, मंत्री के रूप में मैं कोई ऐसा जवाब दूं जो हमारे लिए बेहतर न हो, तो मैं चाहता हूं कि जब फिर मिलेंगे तो उस पर चर्चा करें। वैसे क्या कहना चाहेंगे आप इस आंदोलन? मैं यही कहना चाहूँगा, फिरोजाबाद का विकास हो, फिरोजाबाद का कल्याण हो, उसमें आप भी खुश रहें, इसमें आपका सहयोग हो, यही कहना चाहूँगा। मंत्री, दिल्ली को सील कर दिया गया है, दिल्ली को सील कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इससे यूपी के किसान और यूपी के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आप दिल्ली जा रहे हैं ना, मैं आपके साथ चलता तो मुझे भी देखने का सौभाग्य मिलता कि सील है कि खुला है। मैं दिल्ली इधर गया नहीं इसलिए बता नहीं सकता कि दिल्ली कहीं से सील है या खुला है। मंत्री जी, शिवपाल यादव जी कहते हैं कि वो छोटी बड़ी पार्टियों के साथ अलायंस करेंगे और बीजेपी को उत्तर प्रदेश से हटाएंगे इस बार, सर आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं किसी भी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं करता। अब मोदी जी ने पूरी दुनिया को बता दिया कि हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प नहीं है, न भारतीय जनता पार्टी के विचार का, न भारतीय जनता पार्टी सरकार के काम का, न उनके विकास का, न उनके स्वदेशी का। और जो बजट पेश हुआ है उस बजट में 75 साल के अपने बुजुर्ग पिता को जिस तरह से मोदी जी ने सम्मानित किया, जो अनादिकाल में हम अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ते थे, उस सम्मान को मोदी जैसे प्रधानमंत्री ने वापस किया और आने वाली पीढ़ी को बताया कि अगर 75 वर्ष के बाबा का की सेवा करोगे तो इनकम टैक्स की जितनी छूट है वो मिलेगी और आपको आईटीआर नहीं भरना पड़ेगा। तो इस बजट ने साबित कर दिया है कि हम कंप्रहेंसिव डेवलपमेंट करेंगे, हम बहुआयामी विकास करेंगे और सारे बिंदुओं को छुआ है और 17% अकेले ग्राम्य विकास को दिया है। उन्होंने कोरोना के वैक्सीनेशन को, जिसको लोग चैलेंज मानते थे, हमने स्वदेशी वैक्सीन पैदा की और उसके लिए 36-37 हज़ार करोड़ रुपए का प्रावधान किया कि निःशुल्क टीकाकरण कराएंगे ऐसे लोगों को जो उस टीके की धनराशि को जमा नहीं कर सकते। सर, सपा सरकार में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह, उन पर आज मुकदमा लिखा गया है और 9 जगह छापेमारी की गई है। सर, क्या और भी ऐसे अधिकारी हैं जो इन पर सपा सरकार में घोटाले हुए? आप निश्चिंत रहें, अधिकारी ही नहीं, चाहे जो आदमी भ्रष्टाचार में पाया जाएगा योगी सरकार में, उसके खिलाफ विधि के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जिस। सपा सरकार में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सत्येंद्र सिंह,
उन पर आज मुकदमा लिखा गया है और 9 जगह छापेमारी की गई है। सर क्या और भी ऐसे अधिकारी हैं जो इन पर छपा सरकार आप, आप निश्चिंत रहें, अधिकारी ही नहीं चाहे जो आदमी भ्रष्टाचार में पाया जाएगा योगी सरकार में उसके खिलाफ विधि के अनुरूप प्रभावी कार्रवाई होगी, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो जिस समाज का हो। हम अधिकारी को क्लासिफाई नहीं करते, हम भ्रष्टाचार में लिप्त को क्लासिफाई करते हैं। जो पकड़ा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो रही है, कानून अपना काम करेगा, अपना रास्ता तय करेगा, उसमें योगी सरकार में कोई रियायत नहीं। मंत्री जी, किसानों के आंदोलन से पार्टी को किसी तरह का कोई फर्क पड़ता? मैंने कहा मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूँ, ग्राम्य विकास मंत्री हूँ, उत्तर प्रदेश में कोई ऐसी समस्या नहीं है और हमारे बड़े योग्य देश के कृषि मंत्री हैं। मुझे दिल्ली जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा तो मैं उनसे बात करूंगा और जो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, जब फिर हम आपसे मिलेंगे तो उसको शेयर करेंगे। मुझे अभी बहुत तथ्यात्मक जानकारी नहीं है, मंत्री के रूप में मैं कोई ऐसा जवाब दूं जो हमारे लिए बेहतर न हो, तो मैं चाहता हूं कि जब फिर मिलेंगे तो उस पर चर्चा करें। दिल्ली को सील कर दिया गया है, दिल्ली को सील कर दिया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और इससे यूपी के किसान और यूपी के लोगों को काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, मुझे नहीं मालूम था कि आप दिल्ली जा रहे हैं ना, मैं आपके साथ चलता तो मुझे भी देखने का सौभाग्य मिलता कि सील है कि खुला है। मैं दिल्ली इधर गया नहीं इसलिए बता नहीं सकता कि दिल्ली कहीं से सील है या खुला है।